पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये बीजेपी पार्टी जो है ये चौकीदार जो बने घूम रहे हैं ना, ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। और ये नफरत की जो राजनीति है, इस नफरत की राजनीति का ये परिणाम है कि लोगों के अंदर आपसी मनमुटाव जो बना हुआ है। और इनको तो भाई साहब धर्म और जाति की राजनीति के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इस तरह की चाहे कोई भी है, किसी इस देश के अंदर सबके लिए न्याय और सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति क्षेत्र का आदमी है, मतलब कोई गरीब है, कोई अल्पसंख्यक है, अगर उसके साथ अगर गलत होता है तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और ये भगत सिंह ने जो कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि जाति धर्म के नाम पर, भाषा क्षेत्र के नाम पर अगर किसी जगह भेदभाव हो रहा है तो इससे कोई बुरी बात नहीं। ये काले अंग्रेज जो हैं, ये गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक है, जो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। तो भाई साहब ये तो अभी मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कितने तभी आया हो, आया हमारे सैनिक शहीद हुए ना, नहीं होने चाहिए थे ना। उस चीज का जो सरकारों का काम होता है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले चेकिंग होती थी, वो सरकारों ने ही तो हटाई थी। क्यों हटाई थी भाई? आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करीब 10,000 पोलिंग स्टेशन ने इंचार्ज नियुक्त कर रही है पूरे हरियाणा में। और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे हैं वो लेके जाएगी। जो मुख्य रूप से जो चीज़ हैं वो केजरीवाल के काम जो दिल्ली में किए गए हैं, और मनोहर लाल जी के कांड जो हरियाणा में किए गए हैं। दिल्ली में जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जवान को 1 करोड़ रुपए, किसान को 2600 रुपए गेहूं का रेट, मिनिमम वेज 14,000 रुपए, जो दिल्ली के अंदर काम किए गए हैं काम आदमी के लिए, बेटर स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो चीज़ें दिल्ली में की गई हैं वो लेके जाए। उसके साथ जो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने, मोदी जी ने 2014 के अंदर जो वादे किए थे, जो जुमले साबित हुए, चाहे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात थी, चाहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो वो जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी हम साथ लेके जाएंगे लोगों के बीच में कि भाई पिछली बार भी इन्होंने झूठ बोला था, जो वादे करके जो वोट लिए थे। तो पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने, और करीब 4.5 साल हो गए हैं स्टेट की जो हमारी सरकार है, पूरा देश ये जान चुका है कि 2014 में जो जुमले इन्होंने कहे थे वो पूरे नहीं हुए। जो कांड किए हैं हरियाणा के अंदर, जातीय हिंसा जो फैली, जो करवाई गई, वो बीजेपी की सरकार ही थी। जो इन्होंने रोजगार की बात की थी कि हर साल 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने अभी 50,000 रोजगार दे दिए। तो 4.5 साल हो गए हैं, तो 4.5 लाख होने चाहिए थे वैसे तो। और जो कानून व्यवस्था की बात है, पिछले 4 साल में 50,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है, ये तो डाटा, ये पुलिस का ही है, ये हमारा नहीं है। तो हम तो लोगों के बीच में ये लेके जाएंगे जी, अगर देखो जाति धर्म क्षेत्र, अभी आज अभी इन्होंने पूरी कैंपेन चला रखी है कि भाई मैं भी चौकीदार। तो हम तो ये कह रहे हैं चोर बने हुए हैं चौकीदार, अर्जंता हो जाए होशियार। वो क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, जो ईमानदारी का चोला पहने घूमते हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना दादम खदान जो घोटाला था वो हो ही नहीं सकता, जो 5,000 करोड़ रुपया घोटाला था। तो चौकीदार क्या कर रहे हैं जब महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का सत्यानाश हो रहा है, तो फिर चौकीदार क्या कर रहा था? ये जो बीजेपी के चौकीदार हैं, इनका मुकाबला भारत के बेरोजगारों के साथ होगा। ये जो इनके चौकीदार हैं, ये यमुना से तो रेती खाते हैं, रेत खाते हैं, पहाड़ खाते हैं, और अभी इनके सारे चौकीदार मिलकर अरावली को खा रहे थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है।
तो ये जो कुचौकीदार की इनकी जो मुहिम चल रही है, ये अब 4.5 साल तक तो ठेकेदार थे, अब ये चौकीदार हो गए, अब ये चुनाव के बाद फिर ठेकेदार हो जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए चुनावी मुहिम में कूद रही है, एक चुनावी जो